हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलचन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर दो चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और अभी हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसको हमने दो लेक्चर में कंप्लीट किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसा कि आपको अब तक समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सभी को सॉल्व करने का जो मेथड है वो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। इसलिए वो मेथड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के 100% क्वेश्चन में आपको उस मेथड को अप्लाई करना है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जो कि पहली एप्लीकेशन थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को भी हम तीन लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। और देखिए, क्वेश्चन नो डाउट कि बहुत लेंथी होते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ये सेकंड एप्लीकेशन है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तीन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें से एक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे और ये सेकंड एप्लीकेशन भी हमारी तीन लेक्चर में कंप्लीट होगी। तो आज हमारा इसका पहला पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बार बार आपको बता रहा हूं कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सभी क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इसलिए उसको बहुत अच्छे से तैयार करें। और यहां पर देखिए, अगर आप आज का लेक्चर या आज के लेक्चर के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे पहले जितने भी लेक्चर इस यूनिट के हुए हैं, उन लेक्चर को देखिए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो आज के लेक्चर में आपको कुछ बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं लगेगा, सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर है क्या एक्चुअल में। देखिए, यहां पर क्या होगा, मान लीजिए वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन कब आएगी, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंसीडर द फ्लो ऑफ हीट इन होमोजेनियस रॉड ऑफ लेंथ एल। मान लो आपके पास एक होमोजेनियस रॉड है जिसकी लेंथ है एल। ये एक रॉड है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है ना। तो ये हमारे पास क्या, एक रॉड है, बात समझ में आ गई, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। और रॉड क्या है, होमोजीनियस है, मतलब इसका मटेरियल क्या है, होमोजीनियस है। ठीक, हमें क्या करना है, एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद पोजीशन एंड टाइम। हमें इसमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है टेम्परेचर का वेरिएशन, यानी कि जब इस रॉड से हीट फ्लो करेगी, इस रॉड से अगर जब हीट फ्लो करेगी तो टेम्परेचर कैसे वेरी होगा, उस टेम्परेचर को ही हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। यानी कि यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रॉड। अब यहां पर जब हम ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहां पर जब हम हीट फ्लो की इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हीट फ्लो की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन क्या क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहली अजम्पशन, रॉड हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये जो रॉड हम यहां पर ले रहे हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कैलकुलेट करूं, है ना, तो मान लीजिए इसका एरिया आ गया हमारा ए आ गया। तो देखो, हर क्रॉस सेक्शन पे एरिया ए ही आना चाहिए, यानी कि अगर इस क्रॉस सेक्शन पे एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हर क्रॉस सेक्शन पे एरिया क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि इसका जो एरिया वो कैसा, ये रॉड कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, पहली अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन, रॉड हैज कॉन्स्टेंट डेंसिटी, मतलब रॉड की जो डेंसिटी है वो वेरी नहीं करनी चाहिए। ये सब अजम्पशन है, ठीक है ना। लेटरल सरफेस ऑफ रॉड इज इंसुलेटेड। अब देखो, क्योंकि यहां पर बात हो रही है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की, यानी कि हीट का फ्लो एक ही डायमेंशन में होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है अगर हम इसके, ये जो रॉड है हमारी, इसका जो लेटरल सरफेस है उसको क्या कर दें, इंसुलेटेड कर दें। मान लीजिए ये रॉड है, ये क्या हमारे पास एक रॉड है, तो देखो इसमें वन डायमेंशनल हीट फ्लो तभी पॉसिबल है जब हम इसका ये वाला जो सरफेस है इसको इंसुलेटेड कर दें, मतलब हीट बाहर ना फ्लो हो सके। तो हीट क्या होगी फिर, अगर ये इंसुलेटेड हो जाएगा तो हीट केवल या तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी या इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो फ्लो कैसा हो जाएगा, वन डायमेंशनल हो जाएगा। द रॉड इज सफिशियंटली थिन
अब ये जो रॉड होनी चाहिए ये मतलब बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, इसकी डायमेंशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब थिन होनी चाहिए। इसका कारण क्या है? द रॉड इज सफिशियंटली थिन सो दैट द टेम्परेचर इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड। अब देखो इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये जो रॉड है अगर इसकी थिकनेस ज्यादा होगी तो ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि रॉड जो होनी चाहिए वो थिन होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पर एक क्रॉस सेक्शन लिया तो इस क्रॉस सेक्शन पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, चाहे आप पॉइंट कहीं पर भी ले लो, हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब रॉड की जो थिकनेस होगी वो कम होगी। अगर रॉड की थिकनेस ज्यादा हो गई तो फिर टेम्परेचर वेरी कर सकता है, इसलिए इन्होंने कहा कि जो रॉड है वो सफिशियंटली क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। तो ये सब बातें इसमें है अजम्पशन की, ठीक है। अब आगे देखिए इसके आगे क्या होगा एक्चुअल में। अब यहां पर ये हमारा एक्चुअल में फिजिक्स का टॉपिक है ना, फिजिक्स का टॉपिक देखिए कैसे है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, अगर हम ये सारी अजम्पशन एज्यूम, ये सभी अजम्पशंस को मानने के बाद अगर यहां पर हम फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को अप्लाई कर दें, जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आ भी चुके होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th में, है ना। तो अगर हम इसमें फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को अप्लाई कर दें तो यहां से हीट इक्वेशन का डेरिवेशन आ जाता है, किसका, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का। और फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को अप्लाई करने के बाद यहां से जो हीट इक्वेशन का डेरिवेशन आता है, हीट इक्वेशन का एक्सप्रेशन आता है, वो ये है एक्सप्रेशन। तो हमें इसका डेरिवेशन नहीं करना, डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो फिजिक्स का पार्ट है और हमें यहां पर इसका मैथमेटिकल पार्ट करना है, यानी कि हमें इसको एक्चुअल में सॉल्व करना है, हमें इसको ड्राइव नहीं करना है। बात समझ में आ गई? तो हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे, हम इसको केवल सॉल्व करेंगे। तो दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। देखो इससे पहले हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन पढ़ी थी, अगर आप उसको और इसको देखो तो क्या अंतर आ रहा है, वहां पर था डेल यू अपॉन डेल वाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। पर यहां पर थोड़ा सा चेंज है कि यहां पर जो ये डेरिवेटिव है ये सिंगल हो गया, वहां पर ये क्या था, डबल था। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन होगा कंपैरेटिवली वेव इक्वेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारी जो इक्वेशन है वो पहले से थोड़ा आसान हुई है। यहां डबल डेरिवेटिव था, यहां सिंगल डेरिवेटिव है, तो मेरे ख्याल से। और दूसरी चीज, जैसा कि हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जब पढ़ी थी तो पहले हमने क्या किया था, इसका सॉल्यूशन किया था, इसके सॉल्यूशन को हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो हम आज भी सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के सॉल्व करेंगे या आप जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन के अंदर इसका जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन का यूज करेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है इस हीट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन आपको सभी क्वेश्चन में करना है, ये कॉमन पार्ट रहेगा अगेन, यानी कि हर क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। उसके बाद देखो वेरिएशन केवल बाउंड्री कंडीशन में और इनिशियल कंडीशन में आएंगे, जैसा कि हीट जो हमने वेव इक्वेशन पढ़ी थी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वहां पर भी आपने देखा कि केवल जो चेंजेस आए वो बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन में आए, उससे पहले का पूरा पार्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो आज का भी पूरा पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है या सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए और इसको सॉल्व करके यहां से यू की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए। अब यहां पर ये यू है क्या एक्चुअल में, उसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि हम यहां पर एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, टेम्परेचर का वेरिएशन हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, टेम्परेचर का वेरिएशन। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई हमारा यहां पर एक पॉइंट है यहां पर, और हमें यह पता करना है कि इस पॉइंट पर टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा है। देखिए इस पॉइंट का जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा, पहली बात तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, यू से। यहां जो यू है एक्चुअल में ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर। देखिए यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, जनरली टेम्परेचर को टी से यू रिप्रेजेंट करते हैं हम, लेकिन यहां पर टी से नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में टी से ऑलरेडी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर टी से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे यू से। और देखो अब जरा यहां पर ध्यान देना, जो टेम्परेचर होगा रॉड के अंदर वो दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन कौन से दो वेरिएबल, एक तो मान लेते हैं ये वाला जो एंड है इसका, मान लेते हैं ये एंड ओरिजिन पर है, कहां पर है, ओरिजिन पर है। अगर ये एंड ओरिजिन पर है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो,
तो यहां पर x की वैल्यू हो गई जीरो, यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी l, क्योंकि रॉड की लेंथ कितनी है, l है। जरा ध्यान देना, मैंने इस पॉइंट की बात करी है, तो ये जो पॉइंट है ये तो वेरिएबल डिस्टेंस पर है ना, इस पर है वेरिएबल डिस्टेंस पर। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम एज्यूम कर ले कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं मान लूं कि ये डिस्टेंस x है, कितना है x, हमने मान लिया ये डिस्टेंस कितना है x है। तो अब जरा ध्यान देना, ये जो टेम्परेचर u है ये दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो x के और दूसरा t के। t क्या है, टाइम है। तो यहां पर इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि x जो है वो डिस्टेंस है ओरिजिन से, और t जो है वो टाइम है, इसको हम ओरिजिन मान करके चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, टेम्परेचर है जो कि x और t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x वेरी करेगा टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये u यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना, हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को ही तो कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए ये रही इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से u को कैलकुलेट कर ले तो वही हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। देखिए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बिना आप एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आपको आना चाहिए। और अगर आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आता है करना, तो आप ये मान के चलिए कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन है आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बात अलग है कि पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आता है तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के जितने क्वेश्चन है वो तो आप 100% सॉल्व कर देंगे, और उसके अलावा जितने भी आगे के एप्लीकेशंस हैं वहां पर भी आप 60-70% क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे अगर आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आता है। यानी कि अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपको इस यूनिट का 60-70% पार्ट आपको आ गया। बात समझ में आ रही ना, मैक्सिमम पार्ट आपको इसका आ जाएगा। चलिए अब यहां पर स्टार्ट करते हैं, फिर से अगेन वही चीज रिपीट होंगे जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो ये क्या है हमारी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सब कुछ रिपीट होगा तो थोड़ा जल्दी करेंगे। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, तो सबसे पहले आप वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन लिखेंगे। तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या है जरा ध्यान दीजिए, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन। देखिए बिल्कुल सिमिलर तरीके से चलेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन तो लिख दिया है ना, ये रहा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हमें कहा था वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा था हमसे, हमने सीधे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को यहां पर लिख दिया, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं है ना। तो अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशन को हमने लिख दिया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को एज्यूम करेंगे। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन को एज्यूम करेंगे, तो लेट देखिए अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, जो ये यू है ये दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी और एक्स के। तो हमारा जो इनिशियल सॉल्यूशन होगा यानी हम जो सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे वो क्या होगा, यू इक्वल टू एक्स टी। ये आप अच्छे से जानते हैं, एक्स जो होगा वो एक्स का फंक्शन होगा, टी जो होगा वो टी का फंक्शन होगा, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन टू हमारे पास आ गई, अब क्या करें, इक्वेशन टू आ गई, अब इस इक्वेशन के हेल्प से हम डेल यू अपॉन डेल टी निकालेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो जल्दी से निकालते हैं, देखिए तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा टी के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी, और देखिए एक्स तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो एक्स कांस्टेंट हो गया, टी का हो जाएगा टी डैश, टी का क्या हो जाएगा टी डैश, तो ये आ जाएगा एक्स टी डैश। आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये पार्ट तो आ गया, अब ये निकालते हैं। तो सीधे अगर मैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करूं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यानी कि यू का पार्शियल डेरिवेटिव दो बार करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो टी हो गया कॉन्स्टेंट,
पहले तो टी को ऐसे लिख देते हैं और एक्स का दो बार करेंगे तो एक्स डबल डैश आ जाएगा। अब आगे देखिए, तो यहां तक तो हम पहुंच गए, अब आगे क्या करना देखो ना। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर वन में रख देना, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन। चलिए इक्वेशन वन में दोनों वैल्यू को पुट कर देता हूं, देखिए क्या आएगा। डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा एक्स टी डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर और इसकी वैल्यू टी एक्स डबल डैश। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आपको अच्छे से मालूम है। सबसे पहले इसको इसके सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई एक्स टी, सब कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है, डिवाइड बाय एक्स टी। चलिए एक्स टी से डिवाइड कर देते हैं, तो जब आप इसको एक्स टी से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक्स टी डैश अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी एक्स डबल डैश अपॉन में एक्स टी। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स कट जाएगा और यहां पर भी टी से टी कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमारे पास बचा टी डैश अपॉन टी और इधर बचेगा सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। एक्स देखिए सी स्क्वायर को टी के साथ ले जाइए, तो एक्स डबल डैश अपॉन में एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी डैश अपॉन टी, और इसको हम मान लेंगे किसके इक्वल, के इक्वल, इस रेशियो को मान लेंगे के इक्वल से, दिस इज के। बोले बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करना है आपको अच्छे से मालूम है, एक बार हम इन दोनों को लेंगे, देखिए एक बार हम इन दोनों को लेंगे और एक बार हम इन दोनों को लेंगे। बोले बात समझ में आ गई, एक बार इन दोनों का पेयर बनाएंगे, एक बार इन दोनों का पेयर बनाएंगे। आगे चलते हैं और इनको कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले मैं ले रहा हूं फर्स्ट और थर्ड, तो एक्स डबल डैश इज इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, यही है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, देखो यही आ गया। चलिए अब यहां से एक्स उधर चला जाएगा, तो एक्स डबल डैश अपॉन मी एक्स इज इक्वल, सॉरी एक्स डबल डैश इज इक्वल टू के एक्स। लेफ्ट में ले आइए, तो एक्स डबल डैश माइनस का के एक्स इक्वल टू में जीरो। अब यहां पर जरा ध्यान देना, आपको अच्छे से मालूम है एक्स डबल डैश की जगह हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स इक्वल टू में जीरो, एक्स कॉमन आ जाएगा तो डी स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू में जीरो, और इसको हम एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर थ्री, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आगे चलते हैं, देखिए थर्ड इक्वेशन आ गई, आगे देखिए अब इसके बाद क्या करना है, अब हमने दूसरा पेयर ले लेना है, कौन सा, ये दोनों पेयर है ना, तो वन अपॉन सी स्क्वायर टी डैश अपॉन टी, तो वन अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर के और ये आ जाएगा टी। आगे बढ़ते हैं, टी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, टी डैश की जगह लिख सकते हैं डी टी माइनस सी स्क्वायर के टी इज इक्वल टू जीरो। देखिए किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि टी डैश की जगह डी टी क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हैं टी डैश का मतलब है डी टी अपॉन डी टी है ना, और ये क्या है, ये डी है, तो ये हो गया डी टी। तो ये आपको अच्छे से मालूम है, एक्स डबल डैश डी स्क्वायर एक्स हो जाता है ना, तो ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, ये सब आपको समझ में अब आ गया होगा। इसमें से टी कॉमन आ जाएगा तो डी माइनस सी स्क्वायर के और टी चला जाएगा बाहर कॉमन इक्वल टू में जीरो, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फोर। अब यहां से क्या होगा जरा आगे अब समझते हैं बात। देखिए यहां से बनेंगे हमारे तीन केस, यहां से बनेंगे हमारे तीन केस, एक बार हम के को जीरो लेंगे, एक बार हम के को पी स्क्वायर लेंगे और एक बार हम के को माइनस पी स्क्वायर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर वन से। तो केस वन देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ये सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा मैं, है ना, क्योंकि ये सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन में आना है, ये तो आपको सब में करना है, ये कॉमन पार्ट है। ठीक आगे बढ़ते हैं, देखिए
केस वन, केस वन का मतलब है व्हेन k इक्वल टू जीरो। आप इक्वेशन नंबर थ्री और फोर में k को जीरो पुट कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी, और सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर देखिए जरा, सबसे पहले किसमें कैलकुलेट, थ्री में पुट कर देते हैं। तो देखिए जब आप थ्री में k को जीरो पुट करोगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर के जीरो आ गया, तो डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहां से आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखिए एक्स का जो कोफिशियंट है वो डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर को जीरो पुट कर देंगे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब देखिए यहां पर मैं पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं लिख रहा हूं कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, और फिर सी एफ और पी आई, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसका जीरो पुट कर दो, वही हमारी क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। क्योंकि हमारे यहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन इतने ज्यादा लेंथी है कि आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन है, सी एफ है, पी आई है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया ना, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x का कोफिशियंट जो होता है उसको जीरो पुट कर दो, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। तो यहां से d की दो वैल्यू आ गई, जीरो कॉमा जीरो, इसका मतलब यहां से सी एफ आएगा और पी आई जीरो होगा। देखिए सी एफ आएगा केवल, पी आई जीरो होगा, इसका मतलब यहां से जो x की वैल्यू आएगी, भाई सॉल्यूशन तो हम x का ही निकाल रहे हैं ना यहां से, तो x इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा और पी आई जीरो है, यानी कि x इक्वल टू सी एफ होगा। तो मैं यहां से डायरेक्ट x इक्वल टू लिख रहा हूं, x इक्वल टू सी एफ। अब देखो सी एफ बताओ कितना होगा, रिपीटेड वैल्यू है, क्या है, रिपीटेड वैल्यू, तो c1 और e की पावर 0, तो c1 ही बचेगा, प्लस c2 x। देखो जब रिपीटेड रूट्स होते हैं तो क्या होता है, c1 प्लस c2 x और e की पावर में mx, ये फॉर्मूला बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं c1 प्लस c2 x तो आएगा, लेकिन क्योंकि रूट 0 है तो यहां पर 0 रखोगे तो e की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1, तो यही बचेगा आपके पास। तो ये हमारा आ गया x का सॉल्यूशन When k equal to 0, अभी तो हमें k equal to 0 3 में पुट करा, आप k equal to 0 4 में भी पुट कर देते हैं। देखिए अब मैं k equal to 0 को 4 में पुट कर रहा हूं, यानी कि d square minus, अच्छा ये d square t, d t बचेगा केवल, यहां स्क्वायर नहीं है। देखो इसको जब आप 0 पुट करोगे तो d और ये t equal to में 0, इसका मतलब यहां से जब आप auxiliary equation लिखोगे तो d equal to 0 आएगा, एक ही रूट आ रहा है, तो एक ही रूट आ रहा है। तो यहां से जब आप t लिखोगे तो cf प्लस pi, यानी कि केवल cf आएगा, और cf क्या बनेगा, c1 e की पावर में 0 t, e की पावर में 0 t, और आप जानते हैं e की पावर 0 1 ही होता है। अच्छा यहां पर c1 नहीं लिखेंगे, यहां पर c1 तो आ चुका ना हमारा, c3 लिखेंगे, यहां पर c3 e की पावर में 0 t, इसका मतलब t इक्वल टू क्या आ जाएगा, c3 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा t इक्वल टू, है ना। चलिए देखिए ये आ गया हमारे पास। अब यहां से क्या करेंगे, अब हम यहां से लिखेंगे अपना जनरल सॉल्यूशन। देखिए ना, तो देखिए जब k इक्वल टू जीरो है, k इक्वल टू जीरो है तो u क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखो, हमने k इक्वल टू जीरो पर x की वैल्यू निकाल दी और t की वैल्यू निकाल दी, तो अगर मैं इन x और t को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो u आ जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर put x and t in equation number 2, x और t को equation number 2 में put कर दीजिए, तो जब आप इसको 2 में put करेंगे तो आपको पहला solution मिल जाएगा। और देखिए याद रखना u x और t का function है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा u जो कि x और t का function है is equal to, अगर केवल u भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, u equal to x t, x भी दे रखा t भी दे रखा, तो c1 plus c2, C1 प्लस C2 X और C3, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखिए U X कॉमा T इज इक्वल टू C3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C1 C3 प्लस C2 C3 X। यहां पर अगर आप ध्यान दें, ये जो सॉल्यूशन आ रहा है, ये जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, ये टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम तो है ही नहीं, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब देखो यहां पहली बात तो मैं दो कांस्टेंट यहां पर लिखे हैं, तो एक काम करते हैं, यहां पर दो कांस्टेंट की जगह एक ही कांस्टेंट लिख देते हैं, और इसको मैं लिख देता हूं ऐसे a प्लस बी एक्स, ये हमारा क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन हो गया, और इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 4 हो चुकी थी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5, और ये हमारा पहला सॉल्यूशन आ चुका है, इसका पहला सॉल्यूशन। अब यहां पर देखो जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी है वो क्या है, कि इस सॉल्यूशन के अंदर टाइम आ ही नहीं रहा है,
यानी कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये सॉल्यूशन कैसा है? टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। ये क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। और जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, है ना। देखिए ये टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट, ये कैसा सॉल्यूशन है? स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट, यानी कि जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया जिसको हम कह रहे हैं स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखिए आगे, नेक्स्ट केस नंबर वन हमारा पूरा हुआ है ना। अब हम चलते हैं केस नंबर टू पर। केस टू क्या कहता है? वेन के इक्वल टू पी स्क्वायर। जब k की वैल्यू पी स्क्वायर के बराबर होगी तो अब फिर से आपको क्या करना है, ये p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में ही पुट करना है। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, है ना, और x इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था ना इक्वेशन नंबर 3, देखो कहां है, यहां है, ये रहे। देखो k की जगह पी स्क्वायर रखेंगे तो डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट, यही आएगा। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू में 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब इसके बाद देखिए, तो यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि यहां से d की वैल्यू हमें मिल गई प्लस माइनस p। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, सी एफ प्लस पी आई, और पी आई 0 है तो जो सी एफ होगा वही x होगा, यानी कि c1 e की पावर में पी एक्स प्लस c2 e की पावर में पी एक्स माइनस पी एक्स, है ना, c1 c2 और ठीक है, यहां पर हमने क्या ले लिया था, c3 ले लिया था, बिल्कुल करेक्ट। चलिए ठीक है, तो c1 e की पावर पी एक्स, c2 e की पावर माइनस पी एक्स। आगे बढ़े, ये एक्स आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें टी निकालना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। चलिए देखिए पुट करते हैं, तो सेकंड हमें क्या करना है, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, ये रही, यहां पर पुट करना है, यानी कि सी स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो कहां पर सब्स्टिट्यूट करें, चलिए नीचे ही कर लेते हैं। तो यहां से हमारा आएगा डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इक्वल टू में 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप यहां से लिखोगे तो डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू में 0। यहां से अगर आप d निकालोगे तो प्लस माइनस सी पी आ जाएगा, और जब आप यहां से t लिखोगे, t का सॉल्यूशन लिखोगे तो सी एफ प्लस पी आई, केवल सी एफ आएगा, तो सी वन ई की पावर सी पी टी प्लस, अच्छा सी वन नहीं लिखना है, सी वन सी टू का हम यूज कर चुके, अब सी थ्री लिखेंगे, सी थ्री ई की पावर सी पी टी प्लस सी फोर ई की पावर माइनस का सी पी टी, ये आ जाएगा, है ना, सी थ्री ई की पावर सी पी टी प्लस सी फोर ई की पावर में माइनस सी पी टी। ओ, यहां पर फिर से एक चीज ध्यान दीजिए जो गलत हो गई है, ये एक्चुअल में डी स्क्वायर नहीं है, क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 4 को देखो जरा दोबारा से, इसमें डी है, डी स्क्वायर नहीं है, वो बार बार वेव इक्वेशन वाला मैं लिख दे रहा हूं। चलिए देखिए, अब यहां पर देखो, ये हमारे पास आएगा डी माइनस पी स्क्वायर और सी स्क्वायर टी इक्वल टू में 0। अब देखो जरा ध्यान से, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो डी माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो यहां से डी इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और आप यहां से अब इसका सॉल्यूशन लिखोगे टी इक्वल टू, तो टी इक्वल टू आएगा टी इज इक्वल टू सी थ्री ई की पावर में पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ये आ जाएगा। तो देखो एक्स भी आ गया, टी भी आ गया,
अब जब x और t दोनों आ गए तो अब हम यहां पर अपना नेक्स्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देखिए कैसे, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर टू, टू में पुट कर देंगे। तो जब आप टू में पुट करेंगे तो देखो यहां से आपको मिलेगा u, क्या मिलेगा u, यहां से आपको u की वैल्यू मिलेगी x कॉमा t इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसका और इसका, तो c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px पहला सॉल्यूशन, और दूसरा हो गया c3 e की पावर में p स्क्वायर c स्क्वायर t। ये हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन आ गया यहां से। देखिए ये क्या है, नेक्स्ट सॉल्यूशन आ चुका है और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन आ गई, ये तो एक मिनट, फोर और यहां पर फाइव एंड देन सिक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स। और अगर आप इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखें तो ये सॉल्यूशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और e की पावर में p स्क्वायर c स्क्वायर। देखो अगर यहां टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, टाइम के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये टाइम के ऊपर डिपेंड तो कर रहा है लेकिन टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। देखिए पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में यहां पर हम हीट को कोई जो रॉड है हमारी उसको हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक्चुअल में यहां पर होना क्या चाहिए, यहां पर टाइम के साथ में, टाइम के साथ में टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहिए, टाइम के साथ में टेम्परेचर को क्या करना चाहिए, डिक्रीज, क्योंकि हीट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है और एक्सटर्नल कोई हीट इसमें जा नहीं रही है, तो टाइम के साथ टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब एक बात बताइए, अगर टाइम के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या ये हमारा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि देखो आप जानते हैं हमारे पास तीन सॉल्यूशन आएंगे लेकिन हम तीन में से बेस्ट सॉल्यूशन को क्या करेंगे, चूज करेंगे, तो ये तो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन में नहीं आ सकता क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे, सॉरी टाइम बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए ये सॉल्यूशन तो हम हटा देंगे अपने सॉल्यूशन से। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट सॉल्यूशन लेते हैं, नाउ केस थ्री, केस थ्री क्या है, जरा ध्यान से देखो, केस थ्री का मतलब है व्हेन, व्हेन के इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर, के इज इक्वल टू व्हेन के इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए इसको रखने पे क्या आएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू में जीरो, ये तो इक्वेशन नंबर थर्ड से आएगा है ना, यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू में जीरो, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस, देखो डी जब आप यहां से निकालने जाएंगे तो ये आएगा अंडर रूट में माइनस का पी स्क्वायर, और आप जानते हैं यहां से इमेजिनरी रूट आएंगे, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं मैं इसका, देखिए तो यहां से हमें जो डी के रूट्स मिले वो क्या मिले, डी इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस आयोटा पी, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट मिले तो हमें सी एफ बी कॉम्प्लेक्स रूट के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। तो यहां से देखो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू सी वन ई की पावर में सी वन, सॉरी ई नहीं आएगा यहां, साइन कॉस आएगा, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन px, ये आएगा क्योंकि आप जानते हैं यहां पर cf का फॉर्मूला होता है cf c1 cos बीटा है ना, cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, और बाहर आता है e की पावर अल्फा x, अल्फा क्या होता है रियल रूट, तो यहां पर रियल रूट एक्चुअल में जीरो है तो e की पावर जीरो वन हो जाएगा, यानी कि यही बचेगा, और बीटा यहां पर कितना है p है। तो ये cf का फॉर्मूला है, cf के फॉर्मूले में लेक्चर नंबर वन में सब आपको बता चुका हूं। आगे चलिए देखिए, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, अब आगे चलते हैं, अब हम निकालते हैं t की वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम k equal to minus p square को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो जब आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो वहां से हमें मिलेगा d प्लस c square p square
इक्वल टू में जीरो। देखिए आपको रखना क्या था, आपको k की जगह माइनस पी स्क्वायर रखना था। इक्वेशन नंबर फोर में जाइए, देखिए k की जगह जब आप माइनस का पी स्क्वायर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि सी स्क्वायर पी स्क्वायर बनेगा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर बन गया। अब यहां से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी डी प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू में जीरो, और यहां से जब आप डी निकालोगे तो माइनस का सी स्क्वायर पी स्क्वायर रियल रूट है। तो अगर रियल रूट है, देखिए अगर एक ही रूट है, अगर एक ही रूट है तो सी एफ क्या होता है, सी वन ई की पावर एम एक्स है ना। तो यहां पर हम सी वन सी टू पहले ले चुके हैं, यहां पर हम लेंगे सी थ्री, क्या लेंगे सी थ्री। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी थ्री ई की पावर में एम कितना है, माइनस का सी स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहां पर एक्स नहीं आएगा टी आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास। तो यहां पर और जो सी एफ होगा वही टी की वैल्यू होगी, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा सी थ्री, सी थ्री ई की पावर में माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा टी का। और अब हम इन दोनों को मर्ज करके लिख देंगे है ना, तो इन दोनों वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर टू में। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर टू, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर टू। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर टू में क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जब आप इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू, देखिए u इक्वल टू क्या आएगा, x इंटू टी, x क्या पर है हमारे पास, ये रहा c1 cos px प्लस c2 sin px, और c3 e की पावर में माइनस का c स्क्वायर p स्क्वायर t, ये आ जाएगा। और ये हमारा है सॉल्यूशन नंबर सिक्स, तो थर्ड सॉल्यूशन है हमारा ये है ना। और इक्वेशन कौन सी है, सॉल्यूशन तो थर्ड है, इक्वेशन आएगी हमारे पास सेवंथ, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेवन, सॉल्यूशन थर्ड। और इस सॉल्यूशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और क्योंकि यहां पर माइनस साइन आ रहा है तो देखो जब टी बढ़ेगा तो यू कम होगा। देखिए टी के बढ़ने में यू क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये टी बढ़ेगा तो यहां पर इसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि पावर माइनस वन है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो टी के बढ़ने पे इसकी वैल्यू कम होगी, और इसकी वैल्यू कम होगी तो यू की वैल्यू कम होगी, वहां पर टी के बढ़ने पे यू की वैल्यू बढ़ रही थी। तो इसका मतलब ये हमारा जो हम बात कर रहे थे मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन की, तो इसमें हमारा ये मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन ये हमारा होगा है ना। तो चलिए यहां पर अब मैं लिखता हूं मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, जैसा कि हम पहले भी लिखते आए हैं, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। तो ये जो तीन सॉल्यूशन हमारे पास आए हैं, इनमें से तीनों में से मोस्ट सुटेबल कौन सा है, तो देखिए जरा। तो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन हमारा यही वाला है ना, u x कॉमा t इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px। इस सॉल्यूशन को आगे के क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन में इसको करके दिखाना है। ये लीजिए, दिस इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनिए, ये तो हमारा हो गया मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, लेकिन हम यहां पर जो हमारा पहला सॉल्यूशन आया था ना स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, इसका भी यूज करेंगे। ये टेम्परेचर को टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है ना, भले ये टाइम के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हूं। हाँ, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां पर लिखूंगा स्टडी स्टेट सॉल्यूशन, स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। तो स्टडी स्टेट सॉल्यूशन है हमारा, देखिए ध्यान से, स्टडी स्टेट सॉल्यूशन क्या है, यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दिस इज द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन है ना। ये हो गया मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा स्टडी स्टेट सॉल्यूशन, स्टडी स्टेट सॉल्यूशन यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसके बाद देखिए ना कंप्लीट सॉल्यूशन, अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं
कंप्लीट सॉल्यूशन जो हर जगह वैलिड होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा उस पर जरा ध्यान दीजिए। तो यहां से कंप्लीट सॉल्यूशन मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, है ना। देखिए जरा ध्यान से, अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन को भी और स्टडी स्टेट सॉल्यूशन को भी, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यू एक्स कॉमा टी, यू एक्स कॉमा टी, इसमें आप क्या करेंगे दोनों को ऐड कर दीजिए, मोस्ट सुटेबल को भी। तो सी वन कॉस पी एक्स, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, सी थ्री ई की पावर में माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, और प्लस स्टडी स्टेट सॉल्यूशन ए प्लस बी एक्स। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हमारा कहलाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू, देखो ये वाला जो सॉल्यूशन है वो तो स्टडी स्टेट सॉल्यूशन है, और ये वाला जो सॉल्यूशन है जिसको हम मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन कह रहे हैं इसको कहा जाता है ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं यू टी एक्स कॉमा टी, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन है प्लस, और ये हमारा है स्टडी स्टेट सॉल्यूशन जो कि केवल एक्स पर डिपेंड करता है। देखो ये टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये t पर डिपेंड कर रहा है इसलिए मैंने x, t लिखा, ये t पर डिपेंड नहीं कर रहा x पर डिपेंड कर रहा है इसलिए इसको ऐसे लिखा, है ना। तो ये हमारा होता है कौन सा, ये इसी को मैंने शॉर्ट में लिखा। और यहां पर अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर इसको कहते हैं ट्रांजिएंट सॉल्यूशन और इसको कहते हैं स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो दिस पार्ट, इस पार्ट को कहा जाता है ट्रांजिएंट सॉल्यूशन और इसको कहा जाता है स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से यहां तक हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका। तो हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व किया, और वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये हमें मिला कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हमें मिला मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, और हमने तीनों सॉल्यूशन भी अलग अलग यहां पर कैलकुलेट कर लिए। तो इतना पार्ट आपको सभी क्वेश्चन में करना है। हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, आपको सभी क्वेश्चन में इतना पार्ट करना है। कितना करना है, देखिए यहां सब करेंगे आप और यहां तक आप करेंगे, यहां तक ये पार्ट आपको सभी क्वेश्चन में क्या है करना है, ठीक। या आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन तक आप छोड़ सकते हैं, यहां तक आप छोड़ दीजिए, तीनों सॉल्यूशन आपके आ गए। इसके बाद आप मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन लिखिए। अब मोस्ट सुटेबल जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो वेरी करेगा अलग अलग क्वेश्चन में, कैसे वेरी करेगा ये मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए यहां तक मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको, हम आगे चलते हैं। और यहां पर जो हमारी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है इसमें जो क्वेश्चंस है वो तीन टाइप के क्वेश्चन यहां पर पॉसिबल हैं। कौन कौन से तीन टाइप के क्वेश्चन है पहले जरा ध्यान दीजिए। पहले टाइप के क्वेश्चन वो होंगे जहां पर व्हेन बोथ एंड ऑफ द रॉड आर एट 0°C, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको दिया होगा कि रॉड के दोनों एंड पे जो टेम्परेचर है वो 0°C है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि दोनों एंड पे 0°C टेम्परेचर है तो वो आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आएगी, कौन सा टाइप का हो गया, फर्स्ट टाइप का हो गया, क्लियर है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि रॉड के दोनों एंड क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है, तब वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ रही। देखिए जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जो स्टडी स्टेट सॉल्यूशन होता है ये नहीं आता, ये जीरो हो जाता है इसमें। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जबकि हमारे पास सेकंड और थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें स्टडी स्टेट सॉल्यूशन भी आता है। तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग टाइप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आगे चलते हैं, थर्ड टाइप, यानी कि यहां पर तो परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए। थर्ड टाइप में क्या है, When both ends of the rod are kept at different temperature, जब रॉड के दोनों एंड के जो टेम्परेचर हो वो अलग अलग हो, सेम ना हो, वो हमारा जाएगा थर्ड कैटेगरी में, ठीक है ना।
तीनों ही कैटेगरी इंपॉर्टेंट है और किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम तीनों टाइप को कवर करेंगे। और आज हम करने जा रहे हैं व्हेन बोथ एंड्स ऑफ द रॉड आर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलिए तो फर्स्ट टाइप, व्हेन बोथ एंड्स ऑफ द रॉड आर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो रॉड के दोनों एंड्स का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि सिचुएशन कुछ इस टाइप की है कि मान लीजिए ये आपके पास एक रॉड है, ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है, और इस रॉड के दोनों एंड पर, इस वाले एंड पर भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और इस एंड पर भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, यहां पर और यहां पर, है ना, ये आपका क्या है, x इक्वल टू 0 है, और ये आपका क्या होगा, x इक्वल टू l होगा। क्लियर है? x इक्वल टू l। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l, इस एंड पे भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस एंड पर भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हमें ये बताना है कि इस रॉड में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। बात समझ में आ गई? तो व्हेन बोथ एंड्स ऑफ द रॉड एट आर 0 डिग्री सेल्सियस, देखो अब यहां पर होगा क्या, बाउंड्री कंडीशन, एक्चुअल में कुछ नहीं है, इन तीनों केस में केवल आपकी बाउंड्री कंडीशन वेरी करेंगे। देखिए यहां पर भी दो बाउंड्री कंडीशन होगी, इनिशियल कंडीशन यहां पर एक होगी। देखिए वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में दो बाउंड्री कंडीशन होती थी, दो ही आपके पास इनिशियल कंडीशन होती थी, लेकिन यहां पर दो बाउंड्री कंडीशन होंगी और एक इनिशियल कंडीशन होगी, यानी कि क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान हो गया, है ना। चलिए तो इन तीनों केस में बाउंड्री कंडीशन क्या करेंगी, वेरी करेंगी, और इनिशियल कंडीशन भी वेरी करेगी। यही अंतर है तीनों में, बाकी कोई अंतर नहीं है। और तीनों ही केस में आपको वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हर क्वेश्चन के अंदर करना ही है। इसका मतलब आगे हम जितने भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन 7 मार्क्स के हैं, उसमें से 4 to 5 मार्क्स का काम तो आपको पहले ही आ चुका है, बस आपको 2 से 3 नंबर और अगर लाने हैं तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको अच्छे से सीख लेना है। नाउ बाउंड्री कंडीशन बहुत आसान है, एक्स इक्वल टू 0 पर, देखिए एक्स इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर 0 है, दिया है पहले से ही, है ना, और एक्स इक्वल टू एल पर भी टेम्परेचर 0 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन होगा तभी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो इसको हमने कह दिया, अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं u, क्योंकि हमारा जो फंक्शन ये होता है ux, t लिखते हैं हम, तो देखो x इक्वल टू जीरो पर टेम्परेचर कितना है, 0 है, ये टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम है, टाइम तो कुछ भी हो सकता है, तो 0, t पर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और x इक्वल टू l पर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। इसको हमने कह दिया बाउंड्री कंडीशन 1, इसको हमने कह दिया बाउंड्री कंडीशन 2। अब इधर आइए, देखिए ये हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन था, जो भी अभी हमने कैलकुलेट किया, कहां पर कैलकुलेट किया, ये रहा, ये स्टडी स्टेट सॉल्यूशन, ये ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। आगे आते हैं, तो ये हमारा है स्टडी स्टेट सॉल्यूशन और ये हमारा ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। अब जैसा मैंने आपको कहा, इस केस नंबर 1 में ये स्टडी स्टेट सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा वो देखिए, अभी देखिए ये 0 क्यों हो जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो स्टडी स्टेट सॉल्यूशन है वो है क्या। स्टडी स्टेट सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, स्टडी स्टेट सॉल्यूशन है हमारे पास a प्लस bx, दिस इज द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। इस स्टडी स्टेट सॉल्यूशन में हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं, ये हमारा स्टडी स्टेट सॉल्यूशन है और इसमें हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। देखिए जरा ध्यान से, देखो जब आप x के जगह 0 पुट करोगे तो आपको टेम्परेचर भी 0 पुट करना पड़ेगा, तो यानी कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 1, देखिए बाउंड्री कंडीशन 1 अप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट में भी 0, राइट में a प्लस 0, यानी कि यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। जैसे ही a की वैल्यू 0 आएगी आप अपने सॉल्यूशन को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने पर यहां पर अगर आप a की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये बचेगा यू एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। आप फिर से दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या, एक्स इक्वल टू एल पर यू 0 है, यानी कि ये 0 हो गया और ये बी इंटू एल हो गया। अब ये बी इंटू एल का प्रोडक्ट 0 है, देखो एल तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो लेंथ है, इसका मतलब बी 0 हुआ। अब एक बार बताइए, ए भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, तो यू एस क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज यू एस एक्स इक्वल टू 0,
यानी कि इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में स्टडी स्टेट सॉल्यूशन जो होगा वो जीरो होगा। बोले बात समझ में आ गई। और अगर स्टडी स्टेट सॉल्यूशन जीरो हो गया तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यू एक्स कॉमा टी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन के। और ट्रांजिएंट सॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं, जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है वही हमारा ट्रांजिएंट सॉल्यूशन है, यानी कि सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स और ब्रैकेट के बाहर सी थ्री ई की पावर में माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, ये है हमारा सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका टाइप वन का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास टाइप वन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप अपनी वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कहां तक, यहां तक सॉल्व करेंगे और यहां पर लिख देंगे मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन और ये होगा आपका मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। यानी कि टाइप वन के जो क्वेश्चन है उसमें आप सॉल्यूशन को केवल यहीं तक करेंगे और इसके बाद आप बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, यानी कि टाइप वन के क्वेश्चन में आगे का पार्ट, यानी कि ये पार्ट आपको नहीं करना होगा। बात समझ में आ गई, ये पार्ट करना होगा आपको टाइप टू के क्वेश्चन में, टाइप टू के क्वेश्चन में आपको यहां तक चलना है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें इसके ऊपर बेस्ड। देखिए इसके ऊपर बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द टेम्परेचर इन ए बार, हमें किसी बार के अंदर एक किसी, है ना, फाइंड द टेम्परेचर इन ए बार, बार में टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और बार की जो लेंथ है वो टू है, बार की लेंथ कितनी है, टू मीटर है, एक्चुअल में यहां पर मीटर छोटा होगा, मीटर होगा या टू यूनिट कुछ भी हो, यहां पर कोई ना कोई यूनिट होगी, हो सकता है टू यूनिट लिखा हो। हूज एंड्स आर कैप एट जीरो, जिसके जो एंड्स है वो जीरो टेम्परेचर पर रखे गए हैं, है ना। फाइंड द टेम्परेचर इन ए बार ऑफ लेंथ टू मीटर whose ends are kept at zero temperature, at zero, and lateral surface insulated, देखो lateral surface का मतलब है जैसे ये rod है तो ये वाला surface क्या insulated है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, lateral surface insulated if the initial temperature, और ये है initial temperature, initial temperature का मतलब है t equal to zero पर, t equal to zero पर temperature इतना है, यानी कि ये initial condition आपको given है, क्या given है, इनिशियल कंडीशन। तो यहां पर आपको बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है, आपको इनिशियल कंडीशन भी गिवन है और आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, यानी कि टेम्परेचर इन बार कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर जो आपको गिवन है उसको हम यहां पर लिख लेंगे। दूसरी चीज, यहां पर बार की बात हो रही है तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहां पर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो सबसे पहले यहां पर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को लिख देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का ही है। तो क्या है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है जिसको हम मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर वन। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर वन। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे, पहले हम इसकी बाउंड्री कंडीशन को लिख लेते हैं। नाउ बाउंड्री कंडीशन देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले इस रॉड की लेंथ कितनी है, नाउ लेंथ ऑफ रॉड तो लेंथ ऑफ रॉड कितनी है, यहां पर रॉड की लेंथ आपको गिवन है, यानी कि एल की वैल्यू आपको गिवन है टू मीटर मान लेते हैं या टू यूनिट मान सकते हैं, ठीक है ना, टू मीटर मैंने यहां पर ले लिया, यहां पर कर देते हैं टू मीटर। चलिए तो लेंथ ऑफ रॉड हमारे पास आ गई टू मीटर। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर लिखेंगे बाउंड्री कंडीशंस, क्या करेंगे यहां पर बाउंड्री कंडीशंस को लिखेंगे। देखिए बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या होंगी वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। पहली बाउंड्री कंडीशन देखिए, जो हमारे पास ये रॉड दे रखी है टू मीटर की लेंथ है इसकी, यानी कि यहां पर अगर आप देखें एट एक्स इक्वल टू जीरो पर
टेम्परेचर जीरो होगा, क्यों? क्योंकि दोनों एंड पर टेम्परेचर जीरो है, तो इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पर टेम्परेचर जीरो है। दूसरा एट x इक्वल टू टू, देखिए x इक्वल टू टू पर भी टेम्परेचर जीरो ही होगा क्योंकि दोनों एंड पर टेम्परेचर क्या है, जीरो है। सीधी सी बात है, ये जो रॉड है इसकी लेंथ 2 मीटर है, तो x इक्वल टू जीरो पर भी जीरो होगा, x इक्वल टू टू पर भी जीरो होगा। इसको मैं कह देता हूं बाउंड्री कंडीशन वन, ये हो गई हमारी बाउंड्री कंडीशन वन और ये हो गई हमारी बाउंड्री कंडीशन टू। आगे देखिए, यहां पर आप डायग्राम बनाना चाहें तो रॉड का डायग्राम भी बना सकते हैं, बार बार एक ही डायग्राम आपको बनाना होगा, है ना। चलिए, तो ये आगे बाउंड्री कंडीशन। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। देखिए इनिशियल कंडीशन क्या होगी, देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि इनिशियली टेम्परेचर इतना है, इसका मतलब एट टी इक्वल टू जीरो पर, एट टी इक्वल टू जीरो पर U कितना हो जाएगा, U हो जाएगा आपके पास साइन पाई एक्स अपॉन टू प्लस थ्री साइन फाइव पाई एक्स अपॉन में टू। ये हमारा क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है। तो देखो हमने बाउंड्री कंडीशन भी लिख दी और इनिशियल कंडीशन भी लिख दी, है ना। बाउंड्री कंडीशन भी हमने लिख दिया और इनिशियल कंडीशन भी हमने लिख दी। ये था हमारा लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड हमने एल से रिप्रेजेंट किया, दैट इज टू मीटर। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन आ गई, इनिशियल कंडीशन आ गई। अब क्या, अब बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन को तो आप तब अप्लाई करेंगे जब आपको सॉल्यूशन का पता होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इस वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को अब यहां पर सॉल्व करेंगे। आपको देखिए कहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, आपको स्टार्ट करना है लेट एक्स, लेट यू इज इक्वल टू एक्स टी, यहां से स्टार्ट करना है। और जो मैंने आपको ये कराया है ये पूरा सॉल्यूशन आपको करना है यहां तक, लेकिन मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जबकि आपको ये भी पूरा करना है। चलिए देखिए, बाय चांस एग्जाम में टाइम कम रह जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये नहीं कहा जा सकता। कुछ टीचर्स फुल मार्क्स दे भी सकते हैं और कुछ टीचर्स हो सकता है कि फुल मार्क्स ना दे, इसलिए अगर आपके पास समय है तो सॉल्यूशन को पूरा ही करें। चलिए, तो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इसके आगे बीच का पार्ट मैं नहीं कर रहा हूं ना। मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है वो क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू C1 cos px plus C2 sin px और C3 e की पावर में माइनस का C square p square t। क्या मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा, कहां गया सॉल्यूशन, ये रहा, हाँ माइनस का C square p square t C3, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए, और ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू सब उधर ही आएंगी। कौन सी इक्वेशन थी ये, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, यहां पर सेवंथ के बाद ये इक्वेशन नंबर आएगी हमारी कौन सी, एट्थ। दिस इज मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, ये हमारा मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है। अब हमें क्या करना है, नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन वन। अब मैं यहां पर बाउंड्री कंडीशन वन को अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। बाउंड्री कंडीशन वन क्या कहती है कि x इक्वल टू जीरो पर u जीरो है, u मतलब ये, तो x इक्वल टू जीरो पर u जीरो है तो u की जगह जीरो पुट करो, इज इक्वल टू यहां पर जहां जाए x है वहां जीरो पुट करो। देखो यहां जीरो पुट करोगे ये पूरा जीरो बन जाएगा, ये cos जीरो वन बन जाएगा, यानी कि ये पहला वाला जो ब्रैकेट है इसमें से केवल सी वन बचेगा। यहां से सी वन आ गया, सी थ्री आ गया और e की पावर में माइनस का c स्क्वायर p स्क्वायर t आ गया। अब यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना है, देखो c1 c3 और e इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब तीनों में से एक तो 100% जीरो है, है ना भाई, ये कभी जीरो हो नहीं सकता। देखिए ये कभी भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, इसकी वैल्यू जीरो आएगी इंफिनिटी पे, और हम इंफिनिटी की बात ही नहीं कर रहे, है ना, तो ये जीरो होगा नहीं। ठीक,
अगर ये जीरो नहीं होगा तो अब इनमें से कोई जीरो होगा। अब देखते हैं C1 जीरो होना चाहिए कि C3 जीरो होना चाहिए, C1 को जीरो होना चाहिए या C3 को। देखो C3 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर C3 जीरो हो गया तो ये पूरा सॉल्यूशन जीरो आ जाएगा। तो अब बचा कौन? अब बचा केवल अकेला C1 जो कि जीरो होगा। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट C1 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि C1 यहां पर क्या आ गया? जीरो आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट C1 इक्वल टू जीरो। चलिए तो C1 की वैल्यू यहां से जीरो आ गई। जब C1 आपके पास जीरो आ चुका है तो अब आप अपने सॉल्यूशन को करेंगे अपडेट, है ना। बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे हैं तो बहुत ही आसान है, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप भी कर सकते हैं। नाउ अपडेटेड सॉल्यूशन, अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं अपडेटेड सॉल्यूशन। जैसे ही आपको कांस्टेंट मिलते जाएंगे आप अपने सॉल्यूशन को अपडेट करते जाएंगे। तो यहां पर C1 को जीरो पुट करेंगे तो C2 साइन PX, C2 साइन PX ये आएगा, और इनटू में C3 ई की पावर में माइनस का C²P²T। दिस इज द अपडेटेड सॉल्यूशन। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन से आएगी, अब 8 के बाद आएगी 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। तो ये हमारा आ गया अपडेटेड सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन अप्लाई, है ना, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 2। अब मैं यहां पर बाउंड्री कंडीशन 2 को अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। बाउंड्री कंडीशन 2 क्या कहती है? बाउंड्री कंडीशन 2, x इक्वल टू 2 पर u 0 है, तो x को 2 और u को 0 पुट करो। देखो u को 0 पुट करना है और x को 2 पुट करना है, तो यहां पर ये बन जाएगा C2 साइन 2P C3 इंटू में C3 ई की पावर में C²P²T ये आएगा। अब फिर से वही प्रॉब्लम, देखना पड़ेगा कौन जीरो बनेगा। देखिए यहां पर जरा ध्यान दो, C2 जीरो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ये C2 जीरो नहीं हो सकता, C3 भी जीरो नहीं हो सकता, और ये भी जीरो नहीं हो सकता। तो बचा कौन? साइन 2P। इसका मतलब यहां पर दिस इंप्लाइज दैट साइन 2P इक्वल टू में जीरो। और यहां से, और साइन जीरो कब होता है? साइन जीरो होता है एन पाई पे, तो यहां पर आ गया साइन एन पाई, और साइन से साइन खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? देखिए तो यहां से आपके पास 2p इक्वल टू एन पाई, मतलब यहां से p की वैल्यू आपके पास आ गई एन पाई अपॉन में 2। अब क्या करेंगे? नाउ अगेन अपने सॉल्यूशन को अपडेट करेंगे, है ना। तो ये आ गया था हमारा, नहीं, अपडेटेड सॉल्यूशन। देखिए क्या आएगा, अपडेटेड सॉल्यूशन। तो अपडेटेड सॉल्यूशन यहां से मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। इसमें क्या करेंगे आप? p की जगह पर n पाई बाई 2 पुट करेंगे तो आपको अपडेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ux, t इज इक्वल टू C2 साइन PX, p की जगह रखना n पाई बाई 2, साइन n पाई बाई 2 x इंटू में C3 इंटू में C3 e की पावर में माइनस का C² p की जगह ये रखेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर और पाई स्क्वायर, और n स्क्वायर पाई स्क्वायर t तो पहले से ही था, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो नीचे आएगा 4। ये सब पावर में है, ये ध्यान रखना। दिस इज द अपडेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम कह रहे थे इक्वेशन नंबर 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। तो हमने दोनों बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास बची है इनिशियल कंडीशन। लेकिन इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करने से पहले आप मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को लिखने से पहले मैं इनको पहले एक जगह कर लेता हूं। देखिए यहां पर ux, t इज इक्वल टू C2 C3 साइन एन पाई बाई 2x इंटू ई की पावर में माइनस का C²N²π² अपॉन में 4 इंटू टी। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर, इसको लिख देते हैं 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 10, उसको हटा देते हैं। मतलब कुछ नहीं किया मैंने, C2 C3 को एक जगह लिख दिया। अब मैं यहां पर लिखूंगा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। आपको मालूम है जब हम मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन कब लिखते हैं? जब हमारे पास एक कंडीशन बचती है, है ना। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा? आपको
समेशन का यूज करना होगा, यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा समेशन, और समेशन में एन की वैल्यू वेरी करेगी वन से लेके इंफिनिटी तक, और ये जो दो कांस्टेंट है इनकी जगह आप एक कांस्टेंट का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं बी एन, साइन एन पाई एक्स अपॉन टू इंटू ई की पावर में माइनस का सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में फोर इंटू में टी. दिस इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 11, है ना. ये हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन हमारा ये कहलाएगा. अब मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखने के बाद अब आप अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशन, है ना. तो अप्लाई इनिशियल कंडीशन, है ना, अप्लाई इनिशियल कंडीशन, ध्यान दीजिएगा जरा. अब मैं यहां पर इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करने जा रहा हूं. इनिशियल कंडीशन क्या कहती है, इनिशियल कंडीशन ये है कि अगर यू की वैल्यू ये है तो एट टी इक्वल टू जीरो, टाइम जब जीरो होगा तो टेम्परेचर इतना होगा, तो साइन पाई एक्स अपॉन टू थ्री, ठीक है, लिख देते हैं. देखिए तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, यू की वैल्यू आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन टू प्लस थ्री साइन फाइव पाई एक्स अपॉन टू. देखिए यही एक बार देख लेते हैं, थ्री साइन फाइव पाई एक्स अपॉन टू, ठीक है. और राइट साइड में जहां भी टी आ रहा होगा वहां पर जीरो पुट करेंगे, देखो यहां टी आ रहा है तो यहां पर जब जीरो आएगा तो ये वाले टर्म वन बनेगी, है ना. तो इक्वल टू में समेशन एन की वैल्यू वन से लेकर इंफिनिटी तक वेरी करेगी, वन से लेकर के इंफिनिटी तक वेरी करेगी, और बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन टू बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में टू, और वो हो जाएगा वन. तो ये हमारे पास बचेगा. अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो क्या करें, है ना. देखो अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर साइन है यहां पर भी साइन है, तो कंपैरिजन से काम चल जाएगा, जैसा कि हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं. और अगर इधर साइन नहीं होता तो फिर आपको क्या करना होता, हाफ रेंज साइन सीरीज को अप्लाई करना होता. हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं. एक और चीज, यहां पर कुछ क्वेश्चन में यहां पर कॉस भी आएगा, क्या आ सकता है कॉस. उस केस में आपको अगर लेफ्ट साइड में कॉस नहीं है तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज भी लगानी होगी. तो मैं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का क्वेश्चन भी आपको आगे चल के कराऊंगा. चलिए तो अब यहां पर तो कंपैरिजन से ही काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है. इसको ओपन कर देते हैं बस. देखिए साइन पाई एक्स अपॉन टू प्लस थ्री साइन फाइव पाई एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू, इसको ओपन करिए तो ये आ जाएगा बी वन साइन पाई एक्स अपॉन टू प्लस. अब देखो यहां पर b1 आ जाएगा b2, अगर मैं यहां पर b2 ओपन करता हूं तो b2 sin, अब यहां पर 2 आएगा 2 से 2 कट जाएगा तो sin पाई x बचेगा प्लस b3, यहां पर 3 आ जाएगा sin 3 पाई x अपॉन 2 प्लस b4 sin, जब मैं यहां पर 4 रखूंगा तो 4 2 से कट जाएगा तो 2 पाई x बचेगा एंड प्लस b5 sin 5 पाई एक्स अपॉन टू प्लस डैश डैश. आगे की टर्म मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हमें केवल साइन 5 पाई एक्स बाई 2 तक ही लिखना था, आगे की टर्म हमारी किसी काम की नहीं. कंपैरिजन करते हैं तो देखिए ऑन कंपैरिजन अगर आप यहां पर कंपैरिजन करते हैं तो देखो आपको क्या क्या मिलेगा. यहां पर कंपैरिजन करने पर देखो ये साइन पाई एक्स अपॉन टू है, साइन पाई एक्स अपॉन टू है, इसका कोफिशियंट बी वन, इसका कोफिशियंट वन, इसका मतलब बी वन की वैल्यू वन. आगे देखो साइन पाई एक्स इधर है ही नहीं, साइन पाई एक्स, इसका मतलब बी टू जीरो होगा भाई, जो टर्म लेफ्ट में है ही नहीं वो जीरो. साइन थ्री पाई एक्स वो भी नहीं है, इसका मतलब बी थ्री भी जीरो. और देखो बी फोर वाली टर्म भी यहां पर नहीं है, देखो साइन टू पाई एक्स भी इधर नहीं है, इसका मतलब बी फोर भी जीरो हो जाएगा. और लास्ट में फाइव पाई एक्स बाई टू है, उधर बी फाइव है और इधर इसका कोफिशियंट थ्री है, इसका मतलब बी फाइव की वैल्यू थ्री आ जाएगी. तो आपने देखा हमारे पास b1, b2, b3, b4, b5 सबकी वैल्यू क्या हो चुकी है, आ चुकी है. अब क्या करेंगे,
अब आप सबसे पहले अपने मोस्ट जनरल सॉल्यूशन पे जाएंगे, दिस इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, और इसको ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको ओपन कर देंगे, और ओपन करने के बाद कहां तक ओपन करेंगे? B5 तक। और B5 तक ओपन करके B1, B2, B3, B4, B5 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, और वही आपका क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए देखिए, तो अब यहां पर हम आगे चलते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 है ना, 11, बिल्कुल ये 11 है। तो ux, t इज इक्वल टू, जो हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन था, n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, और bn साइन क्या था, bn साइन n पाई अपॉन 2x, यही था ना, n पाई x अपॉन 2 bn, और e के पावर में भी आ रहा है, ठीक है, इनटू e की पावर में माइनस c स्क्वायर पाई स्क्वायर टी अपॉन में हो, ये हमारे पास, ठीक है ना। चलिए अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे। देखिए ओपन, तो ओपन करते हैं, देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान से देखें, यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे बी वन साइन पाई एक्स अपॉन टू, और ई की पावर में इसको ओपन करते हैं तो एन की जगह वन आएगा, यानी कि माइनस का सी स्क्वायर, ई की पावर में माइनस का सी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 4, n की वैल्यू 1, ये तो 1 पुट करा। अब यहां पर देखो, इसके बाद b1 आएगा, b2 आएगा, b3 आएगा, b4 आएगा, लेकिन वो सब 0 है, वो सब क्या है, 0 है। तो मैं एक काम करूं, सीधे b5 लिख दूं, क्योंकि b2 b3 b4 वाला जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो b2 b3 b4 b4 तक 0 चलेगा। तो मैं यहां एक काम करता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं b5, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा sin 5 पाई एक्स अपॉन में 2 ई की पावर में माइनस सी स्क्वायर, और एन 5 का स्क्वायर यानी कि 25 पाई स्क्वायर टी अपॉन में 4, यह ठीक। इसमें b1 और b2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ux, t इज इक्वल टू, b1 कितना है, b1 तो 1 ही है, तो यहां पर तो 1 ही रहेगा, तो यह आएगा साइन पाई एक्स अपॉन 2, है ना, इसको मैं पहले लिख देता हूं e की पावर को, तो e की पावर में माइनस का c स्क्वायर पाई स्क्वायर टी अपॉन में 4, और साइन पाई एक्स अपॉन में 2, ये आ गया प्लस, ये हमारे पास 3 है, तो 3 इसको भी पहले लिख देते हैं, e की पावर में माइनस 25 c स्क्वायर पाई स्क्वायर टी और अपॉन में 4, और साइन 5 पाई एक्स अपॉन में 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो आपने देखा, क्वेश्चन तो वाकई में काफी लेंथी है, लेकिन आसान है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रॉड। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, इस क्वेश्चन में हमें लगानी पड़ेगी हाफ रेंज सीरीज। तो देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, देखो क्या है, फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रॉड। जैसे आपको पता चला कि वन डायमेंशनल का केस है, तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। देखिए वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसको आप मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर 1। सब कुछ सेम रिपीट होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लिखेंगे यहां पर
देखिए यहां पर भी रॉड की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 2 मीटर। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि यहां पर बाउंड्री कंडीशन भी क्या है, सेम है। तो यहां पर क्वेश्चन में जो वेरिएशन आएगा वो केवल इनिशियल कंडीशन से आएगा, यानी कि बाउंड्री कंडीशन तक क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं यहां तक क्वेश्चन एज इट इज सेम रहेगा, क्वेश्चन बदलेगा यहां के बाद, यानी कि हमारी जो लास्ट की 2 स्लाइड है इन्हीं 2 स्लाइड में हमारा क्वेश्चन बदलेगा, बाकी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह एज इट इज चलेगा। देखिए अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन एग्जैक्टली सेम है, बाउंड्री कंडीशंस। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको यू की वैल्यू निकालनी है, टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड टाइम। रॉड लेंथ जो रॉड की है वो 2 मीटर है, हुज एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड एट टेम्परेचर 0। देखो दोनों एंड पे टेम्परेचर 0 दिया, इसका मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। एंड इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर इस बार इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन 100x दिया है, इस बार साइन की टर्म नहीं दी, इसका मतलब यहां पर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पर हाफ रेंज साइन सीरीज लगेगी भाई, यही इसमें अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाउंड्री कंडीशन देखिए, अब मैं यहां पर जल्दी से लिख रहा हूं, एट एक्स इक्वल टू 0 यू इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर यू अगेन 0, एंड दीज आर नोन एज बाउंड्री कंडीशन। ये हो गई बाउंड्री कंडीशन 1 और ये हो गई बाउंड्री कंडीशन 2। अब देखिए यहां पर इनिशियल कंडीशन, अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या होगी, देखिए इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन है ना, देखो इनिशियल कंडीशन क्या होगी यहां पर, इनिशियल कंडीशन का मतलब है एट टी इक्वल टू जीरो पर U इक्वल टू कितना है, U इज इक्वल टू हो जाएगा fx, और fx हमारे पास है 100x, ये इनिशियल कंडीशन है। तो बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन सब हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वैसे आप जानते ही हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको इस इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना है, एग्जैक्टली इसकी तरह ही चलना है। देखो जैसे यहां पर था ये 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन थी, लेंथ ऑफ रॉड यहां पर भी 2 मीटर, बाउंड्री कंडीशन एग्जैक्टली सेम, इनिशियल कंडीशन जाकर के बदल गई, वहां पर ये 100x दिया है। उसके बाद आपको मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है और एज इट इज सब कुछ सेम करते चले जाना है। तो चलिए जल्दी से कर दें, देखिए नाउ मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, देखिए जरा मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू, यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए यू एक्स कॉमा टी, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, इस ब्रैकेट में आएगा। दूसरा सी थ्री ई की पावर में माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, दिस इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है ना, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब आपको क्या करना है, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन जो आपको मिला है इसमें बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना है ना, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 1। तो जल्दी से बाउंड्री कंडीशन 1 को अप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पर यू 0 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट में 0 एक्स 0, एक्स 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0, यहां पर बचेगा सी 1 और C3 e की पावर में माइनस का सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। अगेन ये 0 नहीं हो सकता, C3 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 होगा, C1। तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट C1 इक्वल टू 0, और जैसे ही C1 0 हुआ आप अपने सॉल्यूशन को करेंगे अपडेट, तो अपडेटेड सॉल्यूशन यहां पर लिख देंगे, अपडेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए अपडेटेड सॉल्यूशन क्या आएगा, जरा ध्यान देना, अपडेटेड सॉल्यूशन सी वन, इस सॉल्यूशन में सी वन को 0 पुट कर दो, तो इस सॉल्यूशन में जब आप सी वन को 0 पुट करेंगे तो सी टू साइन पी एक्स बचेगा। तो हमारा जो अपडेटेड सॉल्यूशन है यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू सी टू साइन पी एक्स, साइन पी एक्स, और सी थ्री
इनटू में C3, E की पावर में C स्क्वायर, P स्क्वायर और T. दिस इज द अपडेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 9. ये हमारे हो गए इक्वेशन नंबर 9. दिस इज द अपडेटेड सॉल्यूशन. और जो अपडेटेड सॉल्यूशन आया है, इस अपडेटेड सॉल्यूशन में फिर से आप अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन 2. नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 2. तो बाउंड्री कंडीशन 2 को अप्लाई करिए. बाउंड्री कंडीशन 2 क्या कहती है कि x इक्वल टू 2 मीटर पर u 0 है. u क्या है? 0. तो u को 0 पुट करो और इधर x को 2 पुट करो. तो c2 sin 2p into c3 e की पावर में माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t. अब अगेन आप देखो, ध्यान से देखो जरा, c3 0 नहीं हो सकता, c3 0 होने पर सॉल्यूशन 0 हो जाएगा. c2 0 नहीं हो सकता, तो c3 0 नहीं हो सकता, c2 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो बचा कौन? sin 2p. तो इसका मतलब sin 2p ही 0 होगा, है ना. दिस इंप्लाइज दैट sin 2p इक्वल टू 0, क्योंकि इसके 0 होने पे ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 2p और वो px है. तो यहां से 2p, सॉरी, यहां पर आपके पास sin 2p इज इक्वल टू हो जाएगा sin nπ, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि sin nπ पर ही sin की वैल्यू 0 होती है. आगे चलते हैं, देखिए. तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू 2p इक्वल टू आ जाएगा nπ, और p इक्वल टू आ जाएगा nπ अपॉन 2. और जैसे ही आपको कांस्टेंट मिला, आप फिर से अपने सॉल्यूशन को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे. तो अपडेटेड सॉल्यूशन, तो जरा ध्यान दीजिए, अपडेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? अपडेटेड सॉल्यूशन, जहां पर भी पी आ रहा है वहां पर nπ बाई 2 पुट कर दो. कहां पर? सॉल्यूशन नंबर 9 में, है ना, जो आपका लास्ट सॉल्यूशन था वहां पर. तो ux, t इज इक्वल टू c2 sin पी की जगह nπ बाई 2, तो sin nπ बाई 2 x c3 इंटू में c3 e की पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t. ये हमारे पास आ गया अपडेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 10. अब क्या करें? दोनों बाउंड्री कंडीशन लगा चुके हैं. तीसरी बाउंड्री कंडीशन लगाने से पहले आपको इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? लिखना होगा. तो यहां पर अब मैं लिखने जा रहा हूं मोस्ट जनरल सॉल्यूशन. अब जरा ध्यान दीजिए, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? नाउ मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन का मतलब है C2 और C3 को आप एक साथ लिख देंगे BN करके. तो यहां पर ये आ जाएगा मेरे पास UX, T इज इक्वल टू समेशन, N की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी वैरी करेगी, और यहां पर आएगा BN. याद रखना, BN C2 C3 की जगह पर आया है. sin nπ अपॉन 2x और इंटू में ई की पावर में माइनस का सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी. ये होगा हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 11. दिस इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, है ना. करना क्या है? अब हमें bn को कैलकुलेट करना है और यहां पर लाके पुट कर देना है. तो जैसे ही आप पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको अप्लाई करनी होगी इनिशियल कंडीशन. तो अप्लाई इनिशियल कंडीशन, अब मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करेंगे. देखिए जरा ध्यान से, इनिशियल कंडीशन क्या आती है हमारे पास? कहां पर है इनिशियल कंडीशन? ये u की वैल्यू 100x है और t की वैल्यू 0 है, तो u की जगह 100x रखेंगे. देखिए, u की जगह पर 100x इज इक्वल टू, और इधर t की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 1 बन जाएगी. तो यहां पर bn sin nπx अपॉन 2 बचेगा. तो समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक bn sin nπx अपॉन 2, ये आ रहा है sin nπ अपॉन 2x, ठीक है ना. ये हमारे पास आ गया. अब क्या करें? अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इधर 100x है, इधर नहीं है. तो यहां पर अब हमें लगानी होगी हाफ रेंज साइन सीरीज. क्या करेंगे? हाफ रेंज साइन सीरीज. देखिए ध्यान दीजिए, हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होती है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हाफ रेंज साइन सीरीज. ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनता है साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल. यहां ये इस तरह से, है ना. अब जरा ध्यान दो,
अगर यहां से ये हमारे पास हाफ रेंज साइन सीरीज है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको bn कैलकुलेट करना है, तो यहां से bn का फॉर्मूला बनता है 2 अपॉन l 0 से l fx साइन n पाई x अपॉन l इंटू dx। ये फॉर्मूला हमें यहां लगाना होगा। ये हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला है जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं। अब जरा कंपेरिजन करो, fx की जगह आ रहा है 100x, यहां bn है, यहां भी bn है, sin n pi x upon l, l की जगह आ रहा है 2, l की वैल्यू कितनी है 2, बस लगा दीजिए ये फॉर्मूला। देखिए तो यहां पर अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई या यूजिंग हाफ रेंज साइन सीरीज। अब यहां पर मैं हाफ रेंज साइन सीरीज का यूज कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, यूजिंग हाफ रेंज साइन सीरीज। देखो तो हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन l, और l यहां पर 2 ही है, 0 से l, यानी कि 0 से 2 l की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, l की वैल्यू क्या है 2 है। fx यहां पर 100x है, तो ये आ गया 100x, ठीक, साइन इंटू में साइन n पाई x अपॉन में 2 और dx। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यहां पर हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूले को अप्लाई किया है। तो यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 100 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा bn इक्वल टू 100 आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, 0 से 2 और x साइन n पाई x अपॉन में 2 dx। अब देखो आप अब यहां पर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखें, बहुत सिंपल है। और देखिए ये हाफ रेंज साइन सीरीज है, अगर आप यहां पर ध्यान दें तो हमारे पास ये एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसको हम फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट मेथड के अकॉर्डिंग, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन। तो हम इसमें सीधे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का जो शॉर्टकट मेथड होता है वो मेथड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और आपको पहले से भी आता होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट मेथड बहुत ज्यादा यूज किया था। फोरियर सीरीज के 100% क्वेश्चन सॉल्व हुए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। चलिए देखिए, तो यहां पर अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। देखिए तो यहां पर क्या आएगा, bn इज इक्वल टू 100 तो बाहर है, इसको बाहर ही रहने देंगे। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो पहला फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन याद रखना है, इंटीग्रेशन करने के बाद ब्रैकेट में लिखना है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस का कॉस एन पाई एक्स अपॉन में 2 और डिवाइडेड बाय एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा एन पाई बाई 2, ये लीजिए, ठीक है ना। तो पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया साइन का माइनस कॉस और एक्स का कोफिशिएंट एन पाई बाई 2, उससे कर दिया डिवाइड। आगे चलते हैं, अब आएगा माइनस का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस, कॉस का हो जाएगा साइन और माइनस पहले से ही है, तो साइन एन पाई एक्स अपॉन में 2 एंड डिवाइडेड बाय, एक बार पहले से एन पाई बाई 2 था, एक बार और एन पाई बाई 2 आ जाएगा, है ना, दो बार हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के 2 तक, इससे आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 बनेगा। अब मैं यहां पर लिमिट को अप्लाई कर देता हूं, देखिए लिमिट को अप्लाई करेंगे bn इज इक्वल टू 100, लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा, तो यहां पर x की जगह जब मैं 2 पुट करूंगा, जरा ध्यान से देखो, x की जगह जब मैं 2 पुट करूंगा तो यहां 2 से 2 कट जाएगा, ये cos n pi बचेगा और यहां पर 2 बचेगा, तो 2 ये माइनस का 2 cos n pi और डिवाइडेड बाय n pi अपॉन 2 यहां पर बचा, यहां पर अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, sin n pi आ जाएगा और आपको मालूम है sin n pi होता है 0, इसका मतलब ये टर्म 0 आएगी, तो हमने अपर लिमिट लगा दिया। अब माइनस करके लोअर लिमिट लगा देते हैं, लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखोगे तो ये टर्म 0 बन जाएगा क्योंकि यहां 0 है और ये भी 0 बन जाएगा क्योंकि sin 0 बन जाएगा, तो यानी कि यहां पर तो 0 माइनस 0 ही बनने वाला है, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहां से bn कितना आया,
बीएन 100 तो बाहर है, अंदर देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 4 कॉस एन पाई और अपॉन में एन पाई और ये बच गया, ठीक है ना। और इसको और थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 400 अपॉन में पाई, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसको मैं बाहर रखता हूं, और कॉस एन पाई अपॉन में एन, ये आ गया हमारे पास bn की वैल्यू। और अब क्या करना है, इस bn की वैल्यू को आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देना और आपका आंसर आ गया। तो यहां से नाउ पुट bn, पुट bn इन इक्वेशन नंबर 11, यानी कि जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है हमारा उसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन कहां है, ये रहा u x कॉमा t, इसमें bn भी है ना, तो यहां पर हम पुट करेंगे u x कॉमा t इज इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी, यहां पर bn आ जाएगा, bn कितना है, माइनस का 400 अपॉन पाई, माइनस का 400 अपॉन में पाई ये आ गया, और cos n पाई अपॉन n, cos n पाई अपॉन में n, ये तो है bn, ये क्या है, ये तो bn है। अब इसके अलावा जो बचा sin n पाई x अपॉन 2, sin n पाई x अपॉन में 2 और e की पावर में है, हाँ e की पावर में, e की पावर में माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, ये हमारे पास है। अब इसमें से जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दो, है ना। अच्छा यहां पर आप कॉस एन पाई की जगह पर, कॉस एन पाई की जगह पर माइनस वन की पावर एन भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मैंने नहीं किया लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं। तो यू एक्स कॉमा टी, अब यहां पर देखो मैं फाइनली लिखने जा रहा हूं आंसर, यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ये आ जाएगा बाहर माइनस का 400 अपॉन में पाई, माइनस का 400 अपॉन में पाई एन इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी, और देखो यहां पर अब हमारे पास बचा कॉस एन पाई अपॉन में एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में 2 इंटू ई की पावर में माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, है ना। यही हमारा क्या है, इसका फाइनल सॉल्यूशन है, वेयर यहां पर आप कॉस एन पाई को लिखना चाहे तो माइनस वन की पावर एन भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, है ना। तो यहां पर आज मैंने आपको वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन में जो टाइप वन के क्वेश्चन थे वो आपको कराए। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप टू के क्वेश्चन करेंगे, और टाइप टू के क्वेश्चन में भी केवल बाउंड्री कंडीशन चेंज होंगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे के आने वाले सभी लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और जितना भी मैंने इस यूनिट में आपको पढ़ाया है उसको पहले आप ध्यान से पढ़िए और फिर आगे के लेक्चर देखिए, ठीक है। तो यहां पर अब डीपीपी में आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, देखिए ये हमारा डीपीपी है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन सिंपल है और दोनों क्वेश्चन में ही हाफ रेंज साइन सीरीज लगेगी, है ना। देखो इसमें तो हमें यू की वैल्यू यू नॉट दे रखी है, जैसे हमने वहां पर u की वैल्यू 100x दी थी ना, 100x की जगह केवल आप क्या मानेंगे u इक्वल टू यू नॉट लिख देंगे, 100x की जगह u नॉट लिख देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें इसमें आप लिख देंगे x, इतना अंतर है, 100x की जगह केवल x है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर x है वहां पर u नॉट है 100x की जगह पर, ठीक है ना, बाकी सब कुछ क्या है सेम है। तो दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।